हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाहत क्रिएशन। नीटिंग के नए डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी। ये न्यू बॉर्न बेबी की कैप है, ये देखिए। ये बैक साइड से और ये फ्रंट साइड से ये कैप आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वूल से 60 फंदे डाले हैं। अब यहाँ पे मैं 10 नंबर की नीडल यूज करूंगी। यहाँ पे हम मेन धागा लेंगे जिससे हमें कैप बनानी है। फर्स्ट फंदा मैं उल्टा बना लूंगी ऐसे। नेक्स्ट हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे। दो फंदे सीधे। दो फंदे उल्टे। दो फंदे सीधे। ऐसे हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ऐसे आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। और लास्ट में हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे। नेक्स्ट रो में जो फंदा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे और जो फंदा इस रो की तरफ उल्टा है उसे उल्टा बना लेंगे। एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ऐसे हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदे उल्टे और लास्ट का एक फंदा सीधा। ऐसे हम इसे आगे आगे बनाएंगे। अब इस रो में जो फंदे इस तरफ सीधे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे और जो फंदे इस तरफ उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे। ऐसे हम इसी पैटर्न को आगे आगे रिपीट करते हुए इसे आगे बना लेंगे। मैंने इस पैटर्न को 20 रोज तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट रो में हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब यहां पे हम जाली डालेंगे, धागा ऐसे घुमाएंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे। नेक्स्ट हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। अब इस रो के लास्ट में ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। ये दो फंदों का हम ऐसे एक बना देंगे और यहां पे हम जाली डालेंगे ऐसे। एक फंदा सीधा,
दो फंदे उल्टे, इसके बाद हम टू रोज ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने ये नीचे बनाई है, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ऐसे ही हम आगे यहाँ पे टू रोज और बना लेंगे। इसे आप वहां तक कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसमें आगे टू रोज और बना ली हैं। अब हम यहाँ पे ये फंदे जो हैं, इन्हें हम खोल लेंगे। अब हम यहाँ से इन फंदों को खोल लेंगे और दूसरी नीडल पे इन फंदों को ले लेंगे। मैंने ये सभी फंदे खोल के इस नीडल पे ले लिए हैं। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब मैं यहाँ पे 9 नंबर की नीडल यूज कर रही हूँ और यहाँ पे हम ये दो दो फंदों का एक एक बनाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक फंदा हम इस नीडल में से लेंगे और एक फंदा हम पीछे की नीडल से लेंगे। ऐसे ये दो फंदे लिए हैं हमने, अभी ये दो फंदों का एक बना देंगे इस तरह से और ये दोनों फंदे ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम ये पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हम फर्स्ट नीडल में से लेंगे, एक फंदा ये पीछे की नीडल में से लेंगे ऐसे, और ये दो फंदों का एक बना देंगे ऐसे। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इन दोनों पार्ट्स को ऐसे ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम 6 फंदे सीधे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन 6 फंदों को हम एक पिन पे ले लेंगे। नेक्स्ट हम ये फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ पे लास्ट में हम 6 फंदे इस तरफ से एक पिन पे ले लेंगे और बाकी बीच में जितने भी फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा बना के इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये 6 फंदे एक पिन पे उतार लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने 6 फंदे एक पिन पे उतारे थे। अब इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 फंदे एक पिन पे उतार लेंगे। ये जो फंदे हैं हमारे पास, इन्हें हम सीधा सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से भी सीधा बनाएंगे और राइट साइड से भी सीधा सीधा बनाएंगे।
ऐसे इन्हें हम सीधा सीधा बना लेंगे। सभी फंदे सीधे सीधे बना के मैंने इसे आगे बना लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 13 रोज हमारे पास आ गई हैं। सभी फंदे सीधे सीधे बनाए हैं मैंने यहाँ पे। राइट साइड से भी सभी फंदे सीधे बनाए हैं और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे सीधे बना के ये हमारे पास 13 रोज आ गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल फंदे जो है वो 48 फंदे हैं। ये टोटल फंदे हमारे पास 48 फंदे हैं, तो इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 16 फंदे यहाँ पे आए हैं मेरे पास और 16 फंदे यहाँ पे हैं और 16 फंदे यहाँ पे हैं हमारे पास। अब ये फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट के 16 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम ये सेकंड पार्ट के फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये 16th फंदा हम इस नीडल पे ले लेंगे। पिन निकालने के बाद अब ये फंदा वापस इस नीडल पे लेंगे और ऐसे हम ये दो फंदों का एक बना देंगे। अब इस पिन को दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे और नीडल्स को हम ऐसे घुमा लेंगे। अब ये फंदा ऐसे हम इस नीडल पे लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस फंदे को इस नीडल पे लेंगे और यहां से पिन निकाल देंगे, ऐसे धागा आगे करेंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे। अब इस पिन को वापस यहां पे लेंगे, नीडल्स घुमाएंगे, इस फंदे को हम यहां पे लेंगे। और ये फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब इस फंदे को इस नीडल पे लेंगे, पिन निकाल देंगे, वापस इस फंदे को इस नीडल पे लेके जाएंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे। ऐसे इस पिन को वापस यहाँ पे डाल देंगे। ये फंदा इस नीडल पे लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। अब ऐसे ही इस फंदे को इस नीडल पर लेंगे, पिन निकालेंगे, वापस इस नीडल पर लेंगे, धागा आगे ये दो फंदों का एक बना देंगे। इस पिन को यहां पे लेंगे, अब इसी पैटर्न को हम आगे रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे नहीं बच जाते। इस साइड भी हमारे पास 12 फंदे बचने चाहिए और इस साइड भी हमारे पास 12 फंदे बचने चाहिए। इसे आगे आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसे आगे 12 फंदों तक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस साइड भी हमारे पास 12 फंदे हैं और इस साइड भी हमारे पास 12 फंदे बचे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस साइड भी हमारे पास 12 फंदे बचे हैं। अब यहाँ पे हम ये पिन्स लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे छोड़ के एक पिन लगाएंगे। नेक्स्ट हम 3 फंदे छोड़ देंगे, उसके आगे एक पिन लगा लेंगे, फिर से यहाँ पे 3 फंदे छोड़ेंगे, उसके आगे एक पिन लगा लेंगे। ऐसे ही हम इस साइड भी कर लेंगे। ये देखिए अब इनको हमने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स में हमारे पास 3-3 फंदे आए हैं। इस साइड भी ये देखिए ये 3-3 फंदे हमारे पास ये 4 पार्ट्स में आ गए हैं। अब यहां पे हम ये फंदा ऐसे उतारेंगे, दो फंदे ऐसे इस तरह लेंगे और ये दो फंदों का एक बनाएंगे। अब ये फंदे सीधे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक बना देंगे ऐसे, ये दो फंदों का एक बनाएंगे। यहां से ये फंदा लेंगे, पिन निकाल देंगे और बैक साइड से ये दो फंदों का एक बना देंगे। वापिस ये पिन इस नीडल पे लेंगे, यहां पे ये फंदा हम ऐसे उतारेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे सीधे बनाने के बाद ये फंदा ऐसे उतारेंगे और ये दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे। ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है हमारी। अब यहां पे ये पिन वापस इस नीडल पे लेंगे, अब इसको हम ऐसे उतारेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब यहाँ पे ये दो फंदों का एक बना देंगे ऐसे। ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब यहां पे इसे उतारेंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे। ये पिन वापस यहां पे लेंगे, अब ये एक फंदा ऐसे उतारेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे। अब यहां पे हमारे पास ये टू पिन्स आ गई हैं, ये देखिए यहां पे ये टू पिन्स हो गई हैं हमारे पास। अब यहां पे हम ये एक फंदा ऐसे उतारेंगे, ये फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब यहां से हम ये फंदा लेंगे, इस पिन को निकाल देंगे और ये दो फंदों का एक बनाएंगे। अब यहां पे भी हमारे पास ये टू पिन्स हो गई हैं। नीडल्स को ऐसे घुमाएंगे। अब नेक्स्ट जहां पे भी हमारे पास ये टू टू पिन्स हो जाएंगी वहां पे हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए अब एक पिन यहां से निकाल देते हैं हम, ये फंदा ऐसे उतारेंगे। अब यहां पे ये दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे। नेक्स्ट हम ये फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब यहां पे हम ये दो फंदों का एक बना देंगे ऐसे। एक फंदा इस नीडल पे लेंगे और ये पिन्स निकालेंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे। अब यहां पे हम एक पिन ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास यहां पे भी टू पिन्स हो जाएंगी उस रो को हम सेम ऐसे ही बनाएंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे टू पिन्स हो जाएंगी तब भी हम सेम ऐसे ही रो बनाएंगे और जब जहां पे हमारे पास टू पिन्स हो जाएंगी तब भी हम यही रो को रिपीट करेंगे। एक फंदा ऐसे उतारा। अब सिंपल बाकी के जो है सिंपल जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही बनाएंगे सेम। ये सभी फंदे सीधे बना के लास्ट में दो फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे
एक बना देंगे। अब यहाँ पे इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, ये फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट में दो फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे हम इस पैटर्न को आगे आगे रिपीट करेंगे। ये लास्ट में एक फंदा ऐसे लेंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे और ये पिन यहाँ पे ले लेंगे। अब हम आगे इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे टू पिन्स हो जाएंगे तब हम जो पहले हमने रो बनाई है उसी रो को यहाँ पे रिपीट करेंगे, और जब यहाँ पे टू पिन्स हो जाएंगे तब उसी रो को यहाँ पे रिपीट करेंगे। बाकी की रोज हमारी नॉर्मल चलती जाएंगी जैसे हमने अभी बनाई है। इसे आप आगे कंप्लीट कर लीजिए। जब तक हमारे पास ये सभी फंदे खत्म हो जाएंगे तब तक आप इसे आगे ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। इसे आप आगे तक कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 8 फंदे बचे हैं और साइड्स के फंदे जो थे वो खत्म हो चुके हैं। ये मेरे पास 8 फंदे यहाँ पे बचे हैं। अब यहाँ पे हम ये देखिए ये पार्ट्स जो हैं इन्हें हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से रखेंगे हम इसे। ये ऊपर की साइड लेंगे, सिर्फ इस तरफ की भी ऊपर की साइड लेंगे, इन्हें एक साथ रखेंगे। ऐसे नीडल लेंगे हम, यहाँ पे हम ये देखिए यहां से धागा निकालेंगे, ये साइड से, यहां से और यहां पे ऐसे। अब इस साइड में भी ऐसे करेंगे, ये साइड में हम नीडल लेंगे और यहां से निकाल देंगे। ऐसे हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। Thank you.
अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। मैं यहाँ पे सर्कुलर नीडल यूज करूंगी। तो ये फंदे मैं इन नीडल्स पे ले लूंगी। अब यहां से हम फंदे उठाएंगे। 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 14। यहां पर मैंने इस साइड से 14 फंदे उठाए हैं, तो इस साइड से भी हम 14 फंदे ही उठाएंगे। अब ये जो पिन में फंदे हैं, इन्हें हम पिन से निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। आप चाहें तो इन्हें एक नीडल पे उतार सकते हैं ऐसे। इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये फंदे भी हम पिन से उतार लेंगे। इन्हें भी हम सीधा बनाएंगे। अब हम यहां से फंदे उठाएंगे। इस तरफ भी हम 14 फंदे उठाएंगे। 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये एक। अब इन सभी फंदों को हम दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे ऐसे बनाएंगे। दो फंदे सीधे
दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। अब ऐसे ही हम इसे पूरा ऐसे राउंड राउंड, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, ऐसे ही हम इसे आगे बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बनाए थे, सेम वैसे ही यहाँ पे बनेंगे। इसे आप आगे बना लीजिए। मैंने इसे आगे 12 रोज तक बना लिया है, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, ऐसे मैंने यहाँ पे 12 रोज बनाई है। एक साइड से मैंने इसे ओपन रखा है, बाद में इसे यहाँ से सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2 रोज सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। हम 2 रोज सभी फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे सभी फंदे सीधे सीधे बना के 2 रोज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे आप 2 रोज तक कंप्लीट कर लीजिए। 2 रोज मैंने यहाँ पे सभी फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे। ऐसे हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब यहां पे हम सभी फंदे सीधे सीधे बना के आगे 10 रोज बना लेंगे। सभी फंदे सीधे सीधे बना के ऐसे आगे हम 10 रोज बना लेंगे। ऐसे आप इसे 10 रोज तक कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसे आगे 10 रोज तक कंप्लीट कर लिया है। सभी फंदे सीधे सीधे बनाए हैं, राइट साइड से भी सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे बना के ये मैंने 10 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहां पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे। ऐसे हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट रो में हम सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं 10 रोज सभी फंदे सीधे सीधे, अब वैसे ही हम यहाँ पे 10 रोज सभी फंदे सीधे सीधे करके बना लेंगे। ऐसे सभी फंदे सीधे सीधे बना के अब हम यहाँ पे 10 रोज कंप्लीट कर लेंगे। आप इसे 10 रोज तक कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसे आगे 10 रोज तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। ये सभी फंदे हम बंद कर देंगे। ऐसे 2 फंदे लिए और 2 का एक बना देंगे। अब ये फंदा इस नीडल पे लिया, यहां से एक फंदा लेंगे और 2 का एक बना देंगे। अब वापस इस फंदे को इस नीडल पे लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से यहाँ पे 2 फंदों का एक बना देंगे। ऐसे करते हुए हम ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे
और ये सभी फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे यहां से यहां तक हम इसे सिल लेंगे। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद इसे हम यहां से यहां तक सिल लेंगे। इसे आप वहां तक कंप्लीट कर लीजिए। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद मैंने यहां से इसको सिल लिया है। यहां से यहां तक इसको सिल लिया है। ये देखिए ऐसे ये राउंड शेप में आ गई है हमारे पास। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा डेकोरेट किया है। ये देखिए ये हमारी कैप जो है ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए ऐसे, और बैक साइड से ये ऐसे दिखेगी।